अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे। आज मैं आप लोगों के साथ क्रीम गोश्त की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसके लिए मैंने 1.5 kg चिकन लिया था। इसे बहुत अच्छी तरह से मैंने वॉश किया। मुझे होता है कि चिकन बहुत अच्छे से वॉश होना चाहिए। उसके बाद मैंने इसमें ड्राई स्पाइसेस ऐड कर दिए, जिसमें था नमक, मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा चिकन चिकन मसाला। वो सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी, क्योंकि ये मैं मैरिनेट करूँगी, आप लोगों को नज़र आ रहा है। अब मैंने सारे स्पाइसेस को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। मैंने अलग से स्पाइसेस इसीलिए नहीं दिखाए क्योंकि रोज़ रोज़ वही बैकग्राउंड, सेम चीज़ें, तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसीलिए मैंने सोचा साथ साथ ही बताती रहूँगी, आप लोग साथ साथ नोट डाउन करते रहें। यहाँ पर मैं बहुत अच्छे से इस मसाले को हर एक एक स्लाइस में मिक्स कर रही हूँ। आपने भी सेम ऐसे ही करना है जैसे कि वीडियो में नज़र आ रहा है। चिकन मैंने अभी वॉश किया था, तो आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा कि ये थोड़ा सा पानी अपना रिलीज़ कर रहा है। उसके बाद मैं इसमें कुछ अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। मैंने पहले नहीं डाला था, ये मैं अभी इसमें दो तीन चम्मच के बराबर है, मैं वो इसमें वो पेस्ट ऐड कर दूंगी। फिर मैं इसको अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों में मिक्स करूंगी, ताकि लहसुन अदरक का पेस्ट भी इन स्लाइसिस में अब्सॉर्ब हो जाए। फिर आते हैं इसके मेन इंग्रेडिएंट की तरफ, जो कि है क्रीम। क्रीम मेरे पास यहाँ पे फ्रीज हुई हुई थी, तो आप लोग चाहें तो फ्रेश ले लें, लेकिन मेरे पास पहले से रखी हुई थी तो मैंने वही यूज़ करी है। अभी कुछ टाइम बाद ये इसमें डिज़ोल्व हो जाएगी। यहाँ मैंने इसे हाथ से तोड़ने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन आखिरकार ये हो ही गई, कुछ टाइम के बाद ही सही, लेकिन ये हो गई थी। इधर मैंने साथ ही एक पैन में ऑयल को गरम किया और उसमें एक प्याली के अराउंड प्याज डाल दिए। इस चिकन को हम मैरिनेट करेंगे और इसको रख देंगे 3 से 4 घंटे के लिए। आपके पास टाइम है तो आप लोग 6 घंटे भी रख सकते हैं, यानी कि शाम को बनाना है तो आप लोग सुबह ही मैरिनेट करके रख दें। फिर मैंने एक और पैन में घी को गरम करा और मैंने इसमें ड्राई स्पाइसेस डाल दिए, जिसमें था कड़ी पत्ता, ज़ीरा, आप लोगों को नज़र आ ही रहा है। इन सारी चीज़ों को मैं 2 से 3 सेकंड के लिए घी में, गरम घी में डालूंगी, तो बस ये 3 से 4 सेकंड में ही हो जाएंगे। इनसे खुशबू बहुत अच्छी आती है और खाने का टेस्ट भी मसालों से ही बनता है, इसीलिए मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि आप लोग मसाले ज़रूर ऐड किया करें। इनको मैंने गरम घी में डाला था तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, सिवाय बड़ी इलायची के, क्योंकि उसको फ्राई होने में, रोस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगा। मैंने तब तक रोस्ट किया जब तक कि उसकी खुशबू नहीं आने लगी। ज़ीरा वगैरह भी इसमें था, लेकिन वो काला नहीं हुआ क्योंकि मैं कंटिन्यूसली स्टिरिंग कर रही थी, इस वजह से वो नीचे नहीं लगा। इधर मैंने ग्रेवी के लिए सामान रेडी किया था। प्याज मैंने 2 तरह के लिए थे, एक को मैंने रफली कट कर लिया था और एक को मैंने ग्राइंड कर लिया था। सब्ज़ मिर्ची भी मैंने ग्राइंड करी थी और टमाटर भी साथ ही ग्राइंड कर लिए थे। फिर जिस पैन में मैंने प्याज को फ्राई करा था, उसी पैन में मैंने टमाटर और ये जो प्याज थे, इनको मैंने फ्राई करके दिखा दिया था, वही मैंने इसमें ऐड करने हैं। साथ ही मैंने इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर दी थी, ताकि कच्चेपन की ना आए। यहाँ मैं बहुत अच्छे से इसकी भुनाई करूँगी, आप लोग देख ही रहे हैं कि मैं कैसे इसकी भुनाई कर रही हूँ, ताकि कहीं से भी कच्चेपन की ना आए। और टमाटर जो हैं वो मैंने ग्राइंड बेशक करे थे, लेकिन ग्राइंड भी मैंने छिलका उतार कर ही करा था। आप लोग भी जब भी ग्राइंड करें या कट करें, तो टमाटर का छिलका उतार कर ही यूज़ करें, क्योंकि ये एक वाहिद चीज़ है जो कि हमारे स्टमक में डाइजेस्ट नहीं होते।
तो जैसे ही ये मसाला अच्छी तरह से भुन चुका था, इसकी खुशबू आ रही थी, मसाले ने घी को छोड़ दिया था। फिर मैंने इसमें वो मैरिनेट किया हुआ चिकन इसमें ऐड कर दिया और मैंने अच्छे से भुनाई करी थी। तो दही तो मैंने इसमें डाली ही नहीं थी, क्रीम डाली थी, जिसकी वजह से ये आपको थोड़ा सा वाइट नज़र आ रहा होगा। तो बस ये हो गया था हमारा क्रीम चिकन रेडी। उसके बाद मैंने हरी मिर्चें और हरे धनिए के साथ इसको गार्निश किया था। होप सो कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हुई होगी लगी होगी। मेरे साथ इसका फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा, मेरे मेथड से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।